أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي हमारी गुफ्तगु सूरह बकरा की इन आयात के झेल में चल रही थी कि जो यहूदियों के बारे में जो एक सिलसिला एक गुफ्तगु चल रहा था और आयत नंबर 98 तक हमारी गुफ्तगू हुई थी, और ये जो आखिरी आयत थी एक थोड़ी सी मुश्किल आयत थी और इसको गौर करें कि अच्छी यानि काबिल तवज्जो नुकात थे इसमें। बहरहाल एक नुक्ता सिर्फ बाकी रह गया था कि लफ्ज़ जिब्रील और मीकाल ये जो है वो दो फरिश्तों का तज़किरा जो इन दो आयतों में ज़िक्र हुआ। कुरान में तीन मरतबा लफ्ज़ जिब्रील इस्तेमाल हुआ है और एक मरतबा हज़रत मीकाइल का तज़किरा कि जिनको कुरान ने ताबीर किया है मीकाल। हमने गुज़िश्ता मरतबा एक नुक्ते की तरफ इशारा किया था, आज भी हम सिर्फ इशारा ही करेंगे कि कुरान में जो है वो सबा कुर्रा, सबा कहते सात, कुर्रा कहते हैं करात करने वाले, सात कराते जो है वो मशहूर हैं और फुकहा के दरमियान एक गुफ्तगू है। अगर कोई ने भी किताब जो तफसीर बयान है उसमें इस पर गुफ्तगू की है और फुकहा इसको फिकही किताबों में भी जिक्र करते हैं कि नमाज में पढ़ने के लिए किस करत के साथ पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल दूं मैं आपको कि मालिक यौमिद्दीन और मलिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन और मलिक यौमिद्दीन, तो ये दो कराते हैं। इसी तरह कुरान में और बहुत सी आयात में जो है वो इस तरीके से दो तरीके से करात कहते हैं प्रोनाउंसेशन, करात कहते हैं प्रोनाउंसेशन, यानि इस आयत को किस तरह प्रोनाउंस करना है, मालिक यौमिद्दीन है या मलिक यौमिद्दीन है। इसी तरह जिब्राइल में भी बाज़ जो वो इसको जिब्राइल के साथ पढ़ा है और बाज़ ने जिब्रील के साथ पढ़ा है। हमारे पास जो कुरान है और जो मौजूद है हमारे अतराफ में वो जिब्रील के साथ है। इसी तरह मीकाल में मीकाइल भी है और यानि बाज कहराते मीकाइल के साथ है और बाज जो कोई मीकाल के साथ है। अच्छा, अब ये जो है वो ज़ाहिर है पूरा कुरान तो इस तरीके से नहीं है लेकिन मुतअद्दिद जगहों पर इस तरीके से करातों में प्रोनाउंसेशनों में इख्तिलाफ है। अच्छा, अब ये तहरीक कुरान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो है वो और ये एक बड़ी पेचीदा गुफ्तगु है तहरीफ़ कुरान पर।
क्योंकि बहरहाल सुन्नी शिया रिवायात इस जेल में मौजूद हैं, जो जिससे जाहिर होता है कि कुरान जो वो कुरान में इस किस्म के मुख्तसर जो वो इख्तिलाफात हैं। अगरचे आखोई ने भी किताब अलबयान में इस तहरीफ कुरान के ऊपर भी गुफ्तगू की है, लेकिन बहरहाल इतना आसान मामला और आसान इशू नहीं है ये। और ना मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखें, पहले तो मैं अपनी उस बात के कहने से पहले एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ कि जिस तरीके से बाज़ असातीद से उस्तादों से हमने ये बात सुनी है कि वो चीज़ जो नुकसानदेह है या एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि आपके लिए कुरान अपने पूरे जो मकसद है कुरान है, जो कुरान का कंटेंट है, जो कुरान का बयान है, जो कुरान जो है वो एक कंसेप्ट देना चाह रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई तहरीफ नहीं, ये मुसल्लम है। अब जैसे मिसाल दूँ, मालिक यौमिद्दीन और मलिक यौमिद्दीन में, जैसे खुद जिब्रील और जिब्राइल में, मीकाइल और मीकाल में, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही ना? चलें, जिब्राइल और जिब्राइल में तो कोई माना के एतबार से सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का ही फ़र्क आएगा, लेकिन जैसे मालिक यौमिद्दीन और मलिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन क्या है कि यौमुद्दीन यानी कयामत का मालिक, मलिक यौमिद्दीन यानी बादशाह। तो मीनिंग में फ़र्क आ रहा है, लेकिन ये तहरीफ है कुरान के लिए, यानी ऐसा नहीं। खूब तवज्जो करें कि मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज कर रहा था कि मालिक यौमिद्दीन और मलिक यौमिद्दीन, इसमें माना में फ़र्क आ रहा है, लेकिन असल कंसेप्ट जो है वो ख़राब नहीं हो रहे हैं। लिहाजा ये जो कुरान कहता है कि इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, और ये हिफाजत जो कि अपनी जगह पर महफूज है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। लिहाजा जो वो इससे ज़्यादा जो है वो अभी एक इल्मी गुफ्तगू के इल्मी गुफ्तगू इससे ज़्यादा जो है वो तहद्दे जो वाजिब है, जो एक अकीदे के अतबार से वो हमारे लिए वाज मुसल्लम है। अब ये मैं आमतौर पर जो एक जुमला कहता हूँ, ये जुमला इंसान अपनी ज़िंदगी में जो है वो हर जगह इसको अप्लाई करे और अपने तावीज़ की तरह जो कि अपने बाजू पर बांध दे कि इंसान जो है वो सही है। इल्मी गुफ्तगू एक हद तक बहुत अच्छी चीज़ होती है, कोई हर्ज नहीं है, ख़ास तौर पर अगर इंसान अपने तमाम अहम मसाइल को सॉल्व कर चुका हो, फ़िकही, एतकादी, अखलाकी, उसके बाद इल्मी गुफ्तगू करने में कोई मुजायका नहीं है। लेकिन जो है वो एक जो जुमला मैं कहता हूँ कि ये कब्र में नहीं पूछा जाएगा हमसे, सही ना, कि लफ्ज़ मीकाइल दुरुस्त है या मीकाल दुरुस्त है, मालिक दुरुस्त है या मलिक दुरुस्त है, तो वो जो फरमाया आपने, सही ना। और बस हम जो कि वो असले दीन के ऊपर एतक़ाद रखते हैं, खुदा की किताब के ऊपर ईमान रखते हैं और अल्लाह रसूल और दीन के ऊपर एतक़ाद रखते हैं, इतना इस हद तक जो वो काफ़ी है, और इससे जो वो तहरीफ जो वो लाजिम नहीं आती और कोई इतना मसला नहीं होता है, सही है ना। हाँ देखिए, बाज़ चीज़ें जो है वो जैसे हमने अपने बाज़ उस्तादों को देखा कि तहरीफ के मामले में वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहरहाल एक तशय्यो में तकरीबन जो है वो इजमा की सूरत हाल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कि हमारे पास इस किस्म की रिवायत है, रिवायात हैं, बल्कि मैं आपकी खिदमत में एक रिवायत बयान करूँ अगर मैं इश्तबा ना करूँ, कि अगरचे एक नुकता पहले इस रिवायत से पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि हमारे पास जो रिवायात अहले बैत से आई हैं कि जो कुरान तुम्हारे पास मौजूद है उसी तरीके से पढ़ो, इस किस्म की रिवायात भी है हमारे पास, इस किस्म की रिवायात भी है। या जैसे सिरातुन अला हक्किन मुस्तकीम, ये एक कुरान की आयत, मैं अभी हवाला भूल गया हूँ, सिरातो सिरातुन अला हक्किन
مستقیم, بعض روایتوں میں کہ یہ اس طریقے سے کہ صراط علی حق مستقیم. اب یہ جو تھوڑے سے غالی افراد ہوتے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی جو کہ وہ معاشرے میں ممبر سے کھیل سکتے ہیں, لہٰذا یہ وہ ساری باتیں کہ جو ممبر سے کرنا نسبتاً بہت دشوار ہے, عوام کو سمجھانا بعض اوقات جو وہ بڑا دشوار رہتا ہے, اگرچہ بہرحال اہل ممبر کی ذمہ داری ہے کہ آہستہ آہستہ جو وہ ان کو دین کے صحیح جو نکات ہیں وہ بیان کیے جائیں. اور ظاہر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید میں نے روایت جو دیکھی تھی اس کی سند بھی جو وہ اگر میں اشتباہ نہ کروں تو یعنی ایک معتبر سند مجھے ہلکا ہلکا یاد آ رہا ہے کہ صراط علین صراط علی حق مستقیم, یہ صراط علین حق مستقیم, اس طریقے سے ظاہر قرآن کی کوئی آیت ہے. تو خوب کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ظاہر امام سے یہ روایت پہ شاید اسی روایت میں یہ آیا تھا کہ راوی نے سوال کیا کہ امام علی کا نام قرآن میں نہیں ہے, تو اس پہ شاید امام نے اس طریقے سے اس کو پڑھا تھا. حال اللہ یہ حال, ہم دیکھیں ہم بعض اوقات بعض جزوی چیزوں میں ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارے پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم جو وہ لا دین ہو گئے یا ہمارا دین جو کہ ہوا میں چلا گیا. نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہمارے اصل اعتقادات محفوظ ہیں. یہ جزوی چیزیں اتنی زیادہ مضر نہیں ہیں, نقصان دہ نہیں ہیں, پرابلم کریٹ کرنے والی نہیں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. مثال دوں میں آپ کی خدمت میں کہ اب میں مثال دیتے ہوئے, لیکن یہ کہ چونکہ بہرحال یہ ایک کلوز فورم ہے اور جو وہ محدود یہاں پر سننے والا ہے تو یہاں پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات جو وہ ہم ایسی چیزوں میں جو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے اعتقادات سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں میں وہ مثال نہیں دیتا ہوں, اسے ملتی جلتی ایک مثال دے دوں. مثلا حضرت زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام, خوب آیا خوب ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا حضرت زید جو کہ وہ مثال کے طور پر جو کہ ان کا قیام آیا درست تھا درست نہیں تھا, صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا, یا بلکہ میں نے چلے ممبر سے بھی یہ تو مثالیں دی ہوئی ہے تو لہٰذا یہاں پر آپ کی خدمت میں بھی دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس حضرت امیر مختار اختلاف ہے ہمارے علماء کے درمیان. اب بعض لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا نجی نشست میں تو بڑے پریشان ہو گئے. اچھا ہم ایک چیز سنتے ہیں کہ بھائی ایک چیز جو ہم بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ عقیدے کا ہے. خوب حضرت امیر مختار نہ جو کہ اماموں میں ہیں نہ معصومین میں ہیں, کچھ نہیں. دشمنان نے آل محمد علیہ السلام کو جہنم واصل کیا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی مدد کی جس طرح بعض روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے, لیکن اب یہ ایک عالمانہ علماء کے درمیان ایک گفتگو ہے کہ آئے حضرت امیر مختار درست ہے درست نہیں تھے. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیے, کوئی فرق پڑتا ہے؟ توحید و رسالت و امامت و ولایت و برات و قرآن و کعبہ و کیا اسے جو وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لہذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو اصلی اعتقادات ہیں اصل جو اعتقادات ہیں وہ ہمارے بالکل محفوظ ہیں, دلیل مسلم سے ثابت شدہ ہے, اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جس طریقے سے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ شاہ عبدالعظیم بڑی عظیم شخصیت ہے, دسویں امام کی خدمت میں جو ہے وہ جاتے ہیں اور اپنے عقیدے کو پیش کرتے ہیں. تو دیکھیں اس عقیدے کا آؤٹ لائن دیکھیں. یہ ایک اور روایت اتفاق سے چند دنوں پہلے دیکھی تھی کہ کوئی صحابی تھے ظاہر چھٹے امام کے زمانے میں, چھٹے امام کی خدمت میں آ کر اپنا جو عقیدہ بیان کیا. تو یہ عقیدے میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ جو وہ ہماری محفوظ ہے اور الحمدللہ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے دینیا کی کتابوں میں, من ربک ماں کتابک من قبلتک ماں قبلتک من رسولوک من اماموک, یہ ہمارے جو کہ اعتقادات ہے, یہ اعتقادات ہے. اس کو سدھاریں, اس کو جو صاف ستھرا کریں, اس کو محکم اور مضبوط کریں, توحید کو محکم مضبوط کریں, رسالت کو محکم مضبوط کریں, امامت و ولایت کو محکم اور مضبوط کریں, یہ جو ہے وہ اہم ترین اعتقادات ہیں. لہذا جو وہ یہ جو ہے وہ اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. تھوڑا سا میں نے زیادہ ٹائم لے لیا اس میں. تو
इंशाल्लाह उम्मीद है कि बात वाजे हो गई होगी। बहरहाल अगर कोई सवाल हो तो चाहे तो यहाँ पर भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल मैंने एक हसास मौजू को जो छेड़ दिया था, तो अगर कोई ऐसी बात हो कि जो मैं वाजे ना कर सका हो तो आप चाहे तो यहाँ पर भी सवाल कर सकते हैं, वरना आप व्हाट्सएप से भी जो वो सवाल कर सकते हैं। और जिब्राइल में जो है वो उसके माना में इख्तिलाफ है कि इसके माना क्या हैं। जैसे अल्लामा तबरसी ने जो है वो जिब्राइल को बयान किया कि ये मुरक्कब है दो चीज़ों से, जिब्राइल यानि अब्द, जिब्र यानि अब्द, और ईल का मतलब है अल्लाह। ज़ाहिर इब्रानी ज़बान में जिब्र यानि अब्द, ईल यानि अल्लाह, तो जिब्राइल या जिब्रील यानी अब्दुल्ला, खुदा का बंदा। और बाज़ ने जो वो ये भी माना किया है कि मर्दे खुदा, कुव्वते खुदा, कुदरते खुदा, कुदरते खुदा, इस तरीके से भी जो वो बयान हुए जिब्राइल के माना जिब्र का माना जो वो मर्द बाज नकल में, और ईल खुदा, तो खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा, या कुदरत, जिब्र यानी जबरूत, जबरूत इस्तेमाल होता है कुदरत और ताकत के लिए, तो जिब्र जो है वो कुदरत के मानों में, और ईल जो है वो अल्लाह यानी कुदरत खुदा। बहरहाल ये एक सिर्फ इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी, और इससे ज़्यादा जो है वो कोई वो नहीं है। और हज़रत जिब्राइल जो वो कुरान में रूहुल कुद्स, सूरह नहल आयत नंबर 102 में रूहुल कुद्स का जो तस्किरा हुआ, इसको भी मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल का तस्किरा है। या सूरह शोरा में जो है वो आयत नंबर 191 191 में रूहुल अमीन इस्तेमाल हुआ है, मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि ये भी जिब्राइल के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है वो बयान हुआ है, और हज़रत जिब्राइल तारीख़ बयान करती है कि हज़रत जिब्राइल जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे, दाहिये कल्बी की शक्ल सूरत में आते थे। दाहिये कल्बी एक खूबसूरत मर्द था मदीने में, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी और असहाब में से ये शख्स था, और हज़रत जिब्राइल जो अक्सर जिस रूप को इख्तियार किया करते थे वो दाहिये कल्बी के रूप को इख्तियार किया करते थे। यहाँ पर एक नुक्ता जो है वो काबिले तवज्जो नुक्ता है, ये भी बयान करके इस आयत को हम समेट लें, इस आयत के ज़हन में अपनी गुफ्तगू को समेट लें कि तवज्जो फरमाएं कि बाज़ मुहक्किकीन ने ये बयान किया है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक नुक्ता बयान कर दूँ कि चार फरिश्ते बहुत ज़्यादा खुदा के मुकर्रब और मशहूर व मारूफ हैं, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल। ये चार फरिश्ते जो है वो कि हज़रत जिब्राइल जो खुदा की वही और आम तौर पर अम्बिया का जो जो खुदा के पैगाम होते थे वो जनाब जिब्राइल के ज़रिए से होते थे, हज़रत मीकाईल रिस्क के ऊपर मामूर है, हज़रत इसराफील सूर फूकने पर मामूर है, और हज़रत इज़राइल रूह कब्ज़ करने के ऊपर जो वो मामूर है, कि ये खुदा के जो वो चार मशहूर फरिश्ते हैं कि जो मुमकिन रिवायतों से इस्तेफादा हो कि ये चार सबसे ज़्यादा मुकर्रब फरिश्ते हैं। बाज़ मुहक्किकीन ने ये बयान किया है कि यहूदियों की किताबों में हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल का तذکرہ आया है। सही ना, जैसे बाज़ मुहक्किकीन ने कहा कि किताब दानियाल में हज़रत जिब्राइल का तذکرہ आया है, और बाज़ मुहक्किकीन ने यहाँ तक ये बात कही है कि तवज्जो करें, ये नुक्ता काबिले तवज्जो है कि अहले यहूद की किताबों में हज़रत जिब्राइल को कभी भी किसी नेगेटिव मानों में बयान नहीं हुआ है। अगर आपको ये इब्तदाई गुफ्तगू याद हो
हमने बयान किया था कि ये दो आयतें 97 और 98, 97 और 98 जो आयतें, ये दो आयतें जो नाजिल हुई थी, ये दर हकीकत इब्ने सूरिया जो यहूदी था उसके बहाना जो उसने बहाना जुई और उसने जो बहाना बनाया था कि अगर आपके ऊपर मीकाइल नाजिल होते तो हम आप पर ईमान लेकर आते हैं, और चूंकि जिब्राइल नाजिल होते लिहाजा हम ईमान नहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमारा दुश्मन है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये जो है वो बाज़ मुहक्किकीन ने कहा है कि अहले यहूद की किताबों में हज़रत जिब्राइल का तज़किरा हुआ है लेकिन कहीं पर भी तज़किरा कोई मनफी मानों में नहीं हुआ है। ये खुद जो वो मौईद और ताईद है इस बात की के ताईद इस बात की ताईद है कि ये फकत एक यहूदियों का एक बहाना था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पर ईमान ना लाने का। तवज्जो फरमाया आपने। खौफ अला ये हाल, बस ये आयत जो वो मुकम्मल हुई आयत नंबर 99। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ انشاءاللہ اگر ٹائم ملتا ہے تو ہم بہت ہی مختصر بیان، زیادہ اس میں تفصیلی بیان نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہمیں کوئی نہ قرآن حفظ ہے نہ ہمارا کوئی قرآن کے اوپر عبور ہے نہ قرآن کی آیات کے اوپر عبور ہے، لیکن 101 آیت پہ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پہ جو ہے وہ، یعنی یہ جو ڈائریکٹ جو تذکرہ تھا حضرت موسیٰ کا تذکرہ کہیں تو زیادہ مناسب ہے، جو وہ تقریباً جو وہ مکمل ہو جاتا ہے اور پھر یہاں سے حضرت سلیمان کا تذکرہ آتا ہے، تو اس کو آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ یہ آیت بھی، اس کا بھی شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن سوریہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ما جئتنا بشیء نعرفہ، کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے کہ جو جس کو ہم مان پہچانتے ہوں، کوئی ہمارے عقیدے کے ساتھ میچ کرتی ہو، جس کو ہم جو ہے وہ قبول کریں، ایکسیپٹ کریں۔ یہ اس ابن سوریہ جو ایک یہودی تھا، جو پہلے بھی جو دو آیتیں تھیں وہ بھی ابن سوریہ ہی کے ڈائلاگ اور جو گفتگو تھی ابن سوریہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، اسی کی شان نزول میں وہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ یہ بھی آیت کہتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ابن سوریہ کے اس جملے کے اوپر آیت نازل ہوئی، ابن سوریہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے کہ جس کو ہم تصدیق کر سکیں کہ ہاں آپ جو وہ ایک صحیح نبی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے کہ جس کو ہم پہچانتے ہوں، جو جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں آپ کی بات جو وہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ وما انزل اللہ علیکم من آیت بینات، اور قرآن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کو تو مانتے ہیں نا، تو کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز، کوئی آیت، بیین آیت، واضح آیت آپ پر نازل نہیں کی ہے، کہ بیین کا معنی انشاءاللہ آگے جا کے کریں گے، کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی کہ فَنَتَّبِعُكَ لَهَا، کہ جو کو ہم اس آیت کے ذریعے سے آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تو خدا متعال نے جو کو یہ آیت کو نازل کیا، کون سی آیت؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات، توجہ فرمائے آپ نے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ یہ ابن سوریہ کو جو وہ یہ آیت جواب دے رہی ہے کہ ہم نے جو وہ انزلنا کا مطلب آسان ہے، ہم نے نازل کیا، صحیح نا، إِلَيْكَ، آپ کی طرف نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ آیات۔ آیات کسے کہتے ہیں؟ آیات پلورل ہے آیت کی، آیت سنگولر ہے، مفرد کیا ہے؟ آیت۔ آیات یہ جو وہ پلورل ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ یہاں پر علامہ طبرسی نے بڑا لطیف ترجمہ کیا ہے آیت کا،
निशानी जिसमें इबरत हो, हर निशानी नहीं, वो निशानी कि जिसमें इबरत हो, इंसान के लिए दर्स हो, इबरत दर्स, सही ना, मतलब अल्लाह की निशानी जिसे अल्लाह याद आए, अल्लाह की तौहीद याद आए, खुदा की अजमत पता चले, खुदा की किबरियाई और बुजुर्गी जिसे पता चले, तो ये कहते ये है क्या है, ये अलामत है जो इबरत है, सही ना, इबरत। या बाज़ लोगों ने कहा कि आयत जो वो अलामत की जो जिसमें खुदा की हुज्जत हो, मिसाल दूं मैं आपको, वो अलामत की जिसमें खुदा की क्या हो, हुज्जत हो। अब इसकी एग्जांपल दूं मैं आपको, मिसाल के तौर पर जो वो आपने देखा कि सूरज अपने टाइम से जो वो निकलता है, चांद अपने टाइम से निकलता है, ये एक अल्लाह की निशानी है। खूब इस निशानी को देखने से इंसान को जो है वो हुज्जत किसको कहते हैं कि खुदा जिसके जरिए से हमारे पर आर्गुमेंट करेगा, है ना, खुदा आर्गुमेंट करेगा कि ये मेरी निशानी जो मेरे वजूद की दलील है, तुम कैसे इनकार करते हो। हुज्जत का मतलब होता है जिस चीज के जरिए खुदा आर्गुमेंट करेगा। तो बाद लोगों ने कहा कि आयत जो है वो उस अलामत को कहते हैं जिसमें खुदा जिसके जरिए से आर्गुमेंट कर सकता है। वो वाला ये दो माना बयान किए। अच्छा, चूंकि आपने ये भी मुलाहिजा फरमाया कि इब्ने सूरिया ने क्या कहा था कि कोई आयत आप पर, जो आयत क्या हो, बयना, बयिन, सही ना, बयना। और कुरान की आयत में भी जो आयत नाजिल हुई उसमें क्या है, बयनात, बयना और बयनात सिंगुलर और प्लोरल का है प्रॉब्लम, यानी फर्क डिफरेंस क्या है, सिंगुलर और प्लोरल का डिफरेंस है, माना एक ही है कि बयना सिंगुलर है, मुफरद है, बयनात जमा है और प्लोरल है। ये बयनात किसे कहते हैं, बयनात कहते हैं कि एक ऐसी दलील जो सच्चे और झूठे की वजाहत देने वाली हो। बयान किसको कहते हैं, एक ऐसी दलील, एक ऐसी दलील कि जो सच्चे और सच्चाई और झूठाई, सच्चाई और झूठ के दरमियान जो है वो दलील बन रही हो, सही ना। मिसाल के तौर पर शैतान जो है वो बातिल है, अल्लाह सुभान व तआला हक है। नमरूद बातिल है, हजरत इब्राहिम हक है, सही ना। तो अब कुरान आकर जो है वो इस, या मिसाल के तौर पर इसके मसलन खुदा और अंबिया के हक होने को जो बयान कर रहा है और उनके बातिल होने को बयान कर रहा है। हो तवज्जो किया आपने, ये जो वो बयन, बयन यानी वैसे लफ्जी माना क्या है, बयन के वैसे लफ्जी माना है रोशन होना, रोशन और वाजे हो जाना, है ना। खैर इंशाल्लाह यहाँ तक जो वो बात वाजे हो गई, और इस आयत में इतना ज्यादा जो वो मतलब नहीं, इसको जो वो हम सरसरी इसको बयान कर दें, इस आयत को मुकम्मल कर दें। तवज्जो फरमाएं कि आयत क्या बयान कर रही है कि लकद अनजलना इलैका आयातिन। इब्ने सूरिया ने कहा कि कोई खुदा ने आपके ऊपर ऐसी आयत नहीं नाजिल की है जो वाजे और रोशन हो, जिसमें हम आपकी इत्तबा करें। तो कुरान आकर फौरन जो वो डिनाई करता है उस इब्ने सूरिया की बात को, और एतराज करता है इब्ने सूरिया की बात पर कि ये बात जो तुमने की वो बिल्कुल गलत बात की, कि कोई ऐसी आयत नहीं है, नहीं बल्कि हमने जो क्या वो आप यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया है। क्या नाजिल किया है, आयातिन, एक नहीं मुतादिद आयात। अब आयात तवज्जो करें, अल्लाह की निशानी, सही ना, निशानी की जो बयीन है, जो हक और बातिल को बयान करने वाली है। अब इसके क्या माना है आयात, इसमें मुख्तलिफ तफासीर, मुख्तलिफ तशरीहात बयान की गई, सब फिट हो सकती है, कोई इश्काल नहीं है। आयात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम मोजिज़ात जो दिए, मोजिज़ा क्या है,
खुदा की निशानी है जो बयान करने वाली है हक और बातिल को। हक क्या है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बातिल क्या है कि ये जो अबू सुफियान है या ये अबू जहल ये जो रसूल की मुखालफत कर रहा है ये गलत है, ये बातिल पर है। तवज्जो किया आपने? तो ऐसी आयात हमने या जो यहूदी और ईसाई मुनकिर है आपकी रिसालत के, ये जो को इन सबको जो को वो ये आया ये निशानियां आकर बातिल करार देती है। वाज़े दलील और रोशन दलील है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत की। तवज्जो फरमाया आपने? तो बाज़ लोगों ने आयात से यहाँ पर जो को मौजज़ात लिए हैं। अच्छा, ज़ाहिर आयात ज़ाहिर आयत से भी जो को यही इस्तेफादा होता है क्योंकि प्लूरल आया है कुरान में, प्लूरल आया है, आयात दी है हमने तुम्हें, सही ना। बाज़ लोगों ने कहा कि ये कुरान है, बाज़ लोगों ने क्या कहा है कुरान है, तो ये कुरान तो सिंगुलर होना चाहिए था। तो इसका जवाब ये कि चूंकि इसमें बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी दलालतें हैं, बहुत सारे रोशन पैगामात हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही होने को बयान करते हैं। और बाज़ लोगों ने कहा कि ये तौरात और इंजील है जो यहूदियों के पास जो वो अब ये बाज़ लोगों ने कहा कि इल्मे तौरात और इल्मे तौरात और इल्मे इंजील है। अब ये किस तरीके से इसके ऊपर फिट बैठेगा फिलहाल जो कि मैं इसे इसकी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता हूँ। ये जो को इस हद तक जो काफ़ी है, लकद अनज़लना इलैका आयातिन, लकद अनज़लना इलैका आयातिन बय्यनातिन, कि हमने तुम पर जो कि आयात यानी निशानियाँ जो बयान करने वाली है वाज़े है, जो हक और बातिल को तफसील जुदा जुदा करने वाली है, डिफ्रेंशिएट करने वाली है, क्या सही है क्या गलत है। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। और अब यहाँ पर यहूदियों को जो वो कुरान इस तरीके से बयान कर रहा है, क्या बयान कर रहा है कि वमा यकफुरु बिहा के ये माँ जो को नफी के मानों में नेगेटिव मानों में, वमा यकफुरु बिहा इन आयात बय्यनात का कोई, कुफ्र का मतलब क्या होता है, कुफ्र के लफ्जी माना डिक्शनरी में कुफ्र की क्या माना है, इनकार करना, जुहूद, जुहूद यानी वही दुश्मनी इनाद और दुश्मनी के साथ इनकार करना, ये जो वो कुफ्र के मानों में आता है। तो वो जो क्या आपने कुफ्र जो वो दुश्मनी के साथ जो किसी चीज का इनकार करना ये कुफ्र होता है, ये काफिर की लफ्जी और डिक्शनरी के लगत के माना है ये वमा यकफुरु बिहा। और इन आयात बय्यनात को इनकार करने वाला कोई नहीं है इल्लल फासिकून, मगर जो भी इनकार कर रहा है वो दर हकीकत क्या है, वो फासिक है, फासिक है। फासिक के लफ्जी माना क्या है, फासिक के लफ्जी माना है कि एक चीज से एक चीज का निकल आना, एक चीज से एक चीज का निकल आना, ये जो वो फिस्क का माना है। तो चूंकि यहूदी अपने जो दीन खुदा से जो है वो निकल गए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करके दीन खुदा से ये लोग खारिज हो गए, सही ना, इसलिए जो वो इनको फासिक से ताबीर किया गया है। अला आयाल आयत जो कि इंशाल्लाह बाकी वाज़ह है, वलकद अनज़लना इलैका आयात बय्यनात वमा यकफुरु बिहा, इन आयात बय्यनात का कोई इनकार नहीं करते मगर फासिकून। और जी तो चाह रहा था कि इन दो आयतों को, आगे वाली दो आयतों को भी हम मुकम्मल करके जो है वो बात यहाँ पर पहुँचा देते तो एक अच्छा हो जाता, लेकिन बहरहाल वक्त काफ़ी हो गया और गुफ्तगू भी मुमकिन थोड़ी बहुत संगीन रही हो, तो इंशाल्लाह जो आने वाली गुफ्तगू में इसको कंटिन्यू करेंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।